हे गाइस, एरिका फर्नांडिस। जी हाँ, एरिका फर्नांडिस की अगर हम बात करें तो लोगों में एक ही अलग सा ही एक्साइटमेंट देखा जाता है, क्योंकि अगर हम एरिका फर्नांडिस की बात कर रहे हैं तो सोनाक्षी बोस, प्रेरणा और ऐसे नज़र ने कई सारे कैरेक्टर सभी की आंखों के सामने आ जाते हैं, और हर एक कैरेक्टर में उन्होंने बखूबी दमदार एक्टिंग प्ले की है, बहुत अच्छी तरीके से कैरेक्टर को प्ले किया, और यही वजह है कि उनके हर एक कैरेक्टर के फैंस हैं और सभी कैरेक्टर के दीवाने हैं उनके, चाहे वो किसी भी कैरेक्टर में नज़र आए लेकिन लोग उन्हें देखना चाहते हैं। अगर उनकी जोड़ी की बात करें तो सभी एक्ट्रेस के साथ, तो सभी एक्टर के साथ उनकी जोड़ी खूबसूरती से पर्दे पर नज़र आई है, चाहे वो शहर शेख के साथ हो, या फिर बात करें पार्थ समथान के साथ हो, या फिर किसी भी अदर एक्टर के साथ हो, उनकी जोड़ी टीवी पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से नज़र आती है। आपको बता दें, उनके नए शो को लेकर आजकल वो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं। जी हाँ, उनके न्यू प्रोजेक्ट को लेकर खबरें आती ही रहती हैं। जब से कुछ रंग प्यार के ऐसे भी का सीजन 3 ऑफर गया, तब से लगातार उनके नए प्रोजेक्ट को लेकर खबर सामने आ रही है कि वो जल्द से जल्द आगाज़ करने वाली हैं एक नए शो में, एक नए प्रोजेक्ट में वो काम कर रही हैं। बहुत ही जल्द फैंस को उनके देखने को मिलेगा। सो आपको बता दें, जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, वो बहुत ही जल्द एक नया प्रोजेक्ट लेकर आने वाली हैं जिसमें वो धमाल मचाने वाली हैं। वो प्रोजेक्ट उनका नया शो होने वाला है या नया सॉन्ग होने वाला है या कोई वेब सीरीज़ होने वाली है, इस बात को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है, पर जो भी होगा धमाकेदार होने वाला है। और वहीं बता दें, उनके अपोजिट आखिर कौन नज़र आएगा, तो इस बात को लेकर फिलहाल के लिए कुछ क्लियर नहीं है। जो भी उनके अपोजिट नजर आएगा, भाई जोड़ी तो सुपर डुपर हिट ही जाएगी, क्योंकि एरिका फर्नांडिस की बात ही अलग है। सो कमेंट करके आप अपनी एक्साइटमेंट जरूर बताना। अगर आप बता दें यहां पर शरद मल्होत्रा उनके अपोजिट नजर आते हैं, तो इससे बेहतर शायद ही कोई जोड़ी हो सकती है। शरद मल्होत्रा की अगर हम बात करें तो उनको लेकर भी खबरें आती रहती हैं आए दिन से। विद्रोही शो की अगर बात करें, उस शो में वो नजर आ रहे थे, लेकिन फाइनली खबरें आ रही शो ऑफर जाने वाला। सो ऐसे में लेकर अगर शरद मल्होत्रा के पास से शो के ऑफर जाते हैं और वहाँ एरिका फर्नांडिस के अपोजिट वो नज़र आते हैं, तो वाकई में डेफिनेटली टीआरपी बहुत ही ज़्यादा हाई आने वाली है। फैंस के लिए इससे बड़ी गुड न्यूज़ नहीं हो सकती है। कमेंट करके आप अपनी एक्साइटमेंट ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।